को, क्योंकि ये रोड देने के लिए और जो लोग भी ऐसी बाइक चलाना चाहते हैं, ये केवल मौका अक्टूबर तक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद इस शहर के चक्कर होने वाले फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू हमारे शहर के नेताओं को ऐसा रोड देने के। दोस्तों 7 अगस्त को मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की तरफ से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जो है वो जारी किया जाता है, और इस वीडियो में वो मीरा भाईंदर की सड़क पर कहीं ना कहीं जो मोटरसाइकिल है वो दौड़ा रहे हैं, ऐसा उनका कहना होता है। अब वो जो बाइक दौड़ा रहे होते हैं वो साफ सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जिस तरीके से मीरा भाईंदर में गड्ढों की संख्या ज़्यादा है, उसके लिए इसी तरीके की बाइकों का इस्तेमाल जो है, बाइक्स का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, ये साफ सीधे तौर पर वो कहते हैं। दोस्तों जिस सड़क पर खड़े होकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया, वो जो सड़क है दोस्तों, ये अभी फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हिस्सा है। ये गलत नहीं है कि मीरा भाईंदर से लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो MMRDA का काम भी जो है कहीं ना कहीं इस पर शुरू है, और वहीं दूसरी तरफ NHAI के अंतर्गत जो है ये पूरा रास्ता आता है। NHAI जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार, यानी आप समझ लीजिए सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी के अंतर्गत जो आता है उसके अंतर्गत आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए MMRDA की, तो MMRDA सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के अंतर्गत आता है। फिलहाल वो मीरा भाईंदर के नेताओं को लेकर कई तरीके के सवाल जो है खड़े कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीरा भाईंदर में जगह जगह गड्ढे हैं, और इसको लेकर खुद MB Live ने मुहिम चलाई थी। MB Live सड़कों पर उतरा, गड्ढे किस तरीके से है, कितने जानलेवा है, बारिश के समय में किस तरीके से उनमें पानी भरा है, ये भी हमने पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश जो है वो की है। लेकिन यहाँ सवाल क्या खड़ा होता है दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि NHAI और MMRDA, जैसा मैंने कहा नितिन गडकरी जी और एकनाथ शिंदे जी, अगर इनके अंतर्गत आता है तो क्या उन्हीं के नेता अपने ही बड़े नेता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर खड़ा होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मीरा भाईंदर के, वो नितिन गडकरी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से सवाल कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये। हालांकि उन्होंने उस वीडियो में साफ सीधे तौर पर शहर के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर आपको ऐसी मोटर बाइक दौड़ानी है मीरा भाईंदर में तो आपके पास अक्टूबर तक का समय है, कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर की जो सड़कें हैं वो एकदम चकाचक हो जाएगी और तब आपको ये बाइक चलाने का मौका नहीं मिलेगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हुए उस वीडियो में नजर आते हैं। लेकिन फिर सवाल वही जो हमने पूछा कि क्या वो अपने ही बड़े नेताओं, अपने ही आला कमान पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, MB Live।